इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ईफेल्स लेडर क्या होता है और आप इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम में यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका सिंटेक्स किस प्रकार का हो सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ईफेल्स लेडर का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। दोस्तों, जनरली ईफेल्स लेडर के प्रोग्राम में बहुत सारे कंडीशन यूज किए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंडीशन आएगा, यहाँ पर भी कंडीशन आएगा, यहाँ पर भी कंडीशन, और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जितना चाहें उतना else if यूज कर सकते हैं और लास्ट में आता है else पार्ट। चलिए, अब मैं आपको इसका डेफिनेशन समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब होता है कि if else लेटर जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है और यह केवल एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने सिंटेक्स में बताया था कि इसमें बहुत सारे कंडीशन यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि यह केवल एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको उनको देखना पड़ेगा कि ये फिर कौन से कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है। तो इस पॉइंट के अनुसार यह उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है जो टॉप से सबसे पहले ट्रू होता है। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि इफ एल्स लेटर उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है जो टॉप से सबसे पहले ट्रू होगा। और लास्ट पॉइंट का मतलब होता है कि यदि सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो सबसे लास्ट में आता है। तो चलिए, सबसे पहले आप सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे एक मैंने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जिसमें सिंगल वेरिएबल लिया है ए, उसकी वैल्यू 10 है। पहला कंडीशन लिया है ए ग्रेटर देन 5 जो कि ट्रू है। सेकेंड कंडीशन है ए ग्रेटर देन 5 जो कि फॉल्स है। एंड थर्ड वन है ए इक्वल टू 10। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और थर्ड कंडीशन ट्रू है, तो अपने अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए हेलो 1 और हेलो 3। लेकिन इसके डेफिनेशन के अनुसार केवल एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, वो भी कौन सा, जो टॉप से सबसे पहले ट्रू होगा। तो इसके अनुसार क्या जाना चाहिए आउटपुट, हेलो 1। इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका आउटपुट हेलो 1 आएगा। चलिए, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम मैंने एग्जाम्पल लिया, बस स्लाइटली चेंज किया हूँ। यहाँ पे मैंने कंडीशन फर्स्ट वाले को फॉल्स कर दिया, यहाँ पर था ए ग्रेटर देन 5, यहाँ पे मैंने कर दिया है ए लेस देन 5 जो कि फॉल्स है। सेकंड कंडीशन को क्या कर दिया हूँ, ए ग्रेटर देन 5 जो कि ट्रू है। और थर्ड वन को कर दिया मैंने ए इक्वल टू 10 जो कि सही है। तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए हेलो 2 एंड हेलो 3, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यह उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है जो सबसे पहले ट्रू होता है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो 2। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, हेलो 2। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम इसके बेस पे आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे फाइंड ग्रेटर वैल्यू इन 3 नंबर यूजिंग इफ एल्स लेटर। 3 नंबर में से आप ग्रेटर का प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसका जो आता है वो है सो डिवीजन ऑफ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू परसेंट। मतलब आप परसेंट को यूजर से इनपुट कराइए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप डिवीजन दिखाइए, जैसे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। दोस्तों, यदि ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम आपसे नहीं बनते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहिए, वहाँ पे आपको ये सारे प्रोग्राम का प्रैक्टिकल मिल जाएगा।